ओके गाइस, एक मिनट रुक जाइएगा भाई, चेक कर लेते हैं कि मैं लाइव हूँ या नहीं। हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, हाय। एक मिनट बस मैं चेक कर लूँ कि हम लाइव हैं या नहीं, उसके बाद यहीं पर इसी क्लास में सारे नोट्स बनवाएंगे। जी सर, आप लाइव हैं। एक मिनट। जी, मैं लाइव हूँ, मैं बिल्कुल 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 लाइव हूँ, आपके कमेंट्स का एक्सेस कर सकता हूँ। दोस्तों आपका बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारा CA इंटर ग्रुप 2 एडवांस अकाउंटिंग 15 मार्क्स का टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का आएगा। ये सारे हैंड रिटन नोट्स आपको क्लास के बाद दे दिए जाएंगे। ये सारे हैंड रिटन नोट्स आपको PDF की फॉर्म में आफ्टर YT क्लास दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो बिल्कुल हम अपने इस चैप्टर को चालू करते हैं। आज की क्लास में ही इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में ही इस चैप्टर को ख़त्म भी करेंगे। ठीक है। हाँ, दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास। माही कहती है, आपका लेक्चर डेली आता है क्या? नहीं, मेरा लेक्चर डेली नहीं आता बेटा, मेरा लेक्चर ऑल्टरनेट डेज पर आता है। ये जो लेक्चर है मेरे बच्चे, मैंने अभी तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करा दिए हैं। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के देख सकते हैं पुराने लेक्चर्स, और अब मैं पार्टनरशिप डिसोल्यूशन करा रहा हूँ, इसके बाद अमालगमेशन वगैरह कराऊंगा। ठीक है, आज पानी साथ में रखा हुआ है ताकि प्रॉब्लम ना हो। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आपको टोटल चार चीजें पढ़नी है। एक आपको पढ़ना है बेसिक ऑफ डिसोल्यूशन, बेसिक ऑफ डिसोल्यूशन के बाद एक आपको पढ़ना है इन सॉल्वेंसी। ये इन सॉल्वेंसी पार्टनर की भी हो सकती है और ये इन सॉल्वेंसी फर्म की भी हो सकती है। फिर आपको पढ़ना है ग्रेजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, और आखिरी में जाके आपको ये क्या हो गया भाई? हाँ, ये क्या चीज़ हो गई? हाँ, आखिरी में जाके आपको पढ़ना है लास्ट चीज़ जो है सेल ऑफ पार्टनरशिप टू कंपनी, सेल ऑफ पार्टनरशिप टू कंपनी और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी और LLP। अगर आपने ये चार चीज़ें पढ़ ली, एक दो तीन और चार, अगर आप ये चार चीज़ें पढ़ लेते हैं तो यस, आपका ये चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। और हम अपनी इन्हीं क्लासेस में, आज की क्लास में ही ये चार के चार चीज़ें, ये चारों के चारों टॉपिक मैं आपको आज ही ख़त्म करा दूंगा। ओके सर, हमने बात समझ ली, चालू करते हैं। आइए मेरे बेटा, स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त, सबसे पहले बात आती है बेसिक्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की। जब मैंने बात करी बेसिक्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो भाई सिंपल सी बात है, स्टेप नंबर वन यहां बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बन रहा है? बिकॉज
फर्म इज क्लोजिंग इट्स ऑपरेशंस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल क्लोज इट्स बुक्स. सबसे पहले वो अपनी किताबें बंद करेगी, और किताबें बंद करने का मतलब है क्लोज ऑफ बुक्स का मतलब क्लोजिंग ऑफ एसेट्स एंड क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटीज. एसेट्स को क्लोज करेगी और लाइबिलिटीज को क्लोज करेगी, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर्स तो कभी भी क्लोज होते ही नहीं. आप बात को समझना, एक बिजनेस में या तो एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा, या इनकम होगी या एक्सपेंडिचर होंगे. क्या मैं बोलूं इनकम और एक्सपेंस तो कभी क्लोज होते ही नहीं है? बैलेंस शीट क्लोज होती है, प्रॉफिट एंड लॉस कभी क्लोज थोड़ी होता है. तो बैलेंस शीट क्लोज होगी, प्रॉफिट एंड लॉस तो कभी क्लोज ही नहीं होता ना मेरे बेटा. हाँ जी, तो यहां पर बेसिक रूल्स क्या लगाए गए? बेसिक रूल्स ऑफ मेकिंग रियलाइजेशन, बेसिक रूल लगाए गए रियलाइजेशन के. नंबर वन, जब मेरे को अपने एसेट्स क्लोज करने हैं, क्लोजिंग ऑफ एसेट्स, तो जब मुझे अपने एसेट्स क्लोज करने हैं तो मैंने क्या काम करा? सबसे पहला पॉइंट, जो मेरे एसेट्स हैं वो क्लोज होंगे एट इट्स बुक वैल्यू. हाय रोहन मेरे बेटा, मैंने बोला था ना एक बार और पढ़ ले ध्यान से, अब की बार आप पक्का पास होगे. एसेट्स क्लोज होंगे एट इट्स बुक वैल्यू. नंबर टू, एसेट्स क्लोज होने चाहिए एट इट्स ग्रॉस वैल्यू. ग्रॉस वैल्यू का मतलब मेरे बच्चों, ग्रॉस वैल्यू का मतलब कि अगर आपको यहां पर डेटर्स दे रखे हैं 100 रुपए के और लेस प्रोविजन दिया हुआ है 10 रुपए का और नेट डेटर हो गए 90, तो मेरे बच्चे डेटर्स पूरे क्लोज होंगे 100 रुपए से, और ये जो प्रोविजन है ये क्लोज होगा एज अ लाइबिलिटी. ये जो प्रोविजन है ना, ये एज अ लाइबिलिटी क्लोज होगा. ठीक है सर, तो क्या मैं कहूं, अगर मैं बात करूं जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट, जब मैं एसेट को क्लोज करूंगा तो एसेट का मेरा बैलेंस डेबिट होता है. पूरा बेसिक से मैं इस चैप्टर को आपको बना दूंगा, बस सुनते रहना. मेरा एसेट का बैलेंस डेबिट होता है. अब मुझे एसेट को क्लोज करना है, इसका मतलब मेरे को एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा, इसीलिए डेबिट में कुछ नहीं बचता. तभी तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ऐसे क्लोज करना. वहीं अब बात आई क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटीज. जब मैंने लाइबिलिटी की बात करी तो भाई लाइबिलिटी का मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है. ये जो नोट्स आप लिखवा रहा हूं ना मैं यहां पर, ये जो नोट्स मैं लिखवा रहा हूं ना, याद रखिएगा ये नोट्स आपको एग्जाम की रिवीजन में बहुत काम आने वाले हैं. क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली आपने केवल इनको उठाना है और इनको उठा के पढ़ लेना है और कुछ नहीं करना. इनको उठाना, इनको उठा के पढ़ लेना, काम वैसे ही हो जाएगा. समझ रहे हो? इनको उठाओगे, उठा के पढ़ लोगे, काम खत्म. काम वैसे ही हो जाना है आपका. जी सर, आगे की बात करते हैं. सर आगे की बात बताइए. ठीक है, गुड इवनिंग जी. हाँ, अब ये आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को क्लोज करना है. तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है. अब लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, अगर हमें इसको क्लोज करना है तो क्या मैं कहूँ मेरे को लाइबिलिटीज के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा. लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट. अब मेरे पास क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं लिखूंगा यहां पर टू रियलाइजेशन अकाउंट. यहां मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट. चलो सर, इतना काम कर लिया, अब थोड़ा आगे बताइए. इसके बाद हमने बात करी
रूल्स फॉर फॉर क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटीज। ये नोट्स आपके काम आएंगे, पीडीएफ बना के आपको दे दिए जाएंगे। जब मेरे को लाइबिलिटी क्लोज करनी है तो सबसे पहली बात करी गई कि केवल और केवल आउटसाइडर लाइबिलिटीज ही क्लोज होंगी, केवल और केवल आउटसाइडर लाइबिलिटीज ही क्लोज होंगी। इसका मतलब फर्म के पार्टनर्स ने जो बाहर वालों को देना है, फर्म ने जो बाहर वालों को देना है वो क्लोज होगा। पार्टनर का लोन क्लोज नहीं होगा, लेकिन पार्टनर की स्पाउस का लोन क्लोज होगा। समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि पार्टनर इनसाइडर है और पार्टनर की स्पाउस आउटसाइडर है, ठीक है? तो आउटसाइडर लायबिलिटी क्लोज होंगी। नंबर टू, लायबिलिटीज शैल बी क्लोज्ड एट देयर बुक वैल्यू। इसका मतलब जो बैलेंस शीट की वैल्यू है, लायबिलिटीज उस पे क्लोज होंगी। अब आप बात को समझिए। अब मैंने क्या करा, फर्म बंद करने के लिए मैंने एसेट्स को भी क्लोज कर दिया और मैंने लायबिलिटी को भी क्लोज कर दिया, लेकिन एक्चुअली में तो फर्म तब बंद होगी ना जब मैं एसेट्स को बेचूंगा और लायबिलिटीज को पे ऑफ करूंगा। अब बड़ा पंगा है। क्या मैं कहूं, यूजुअली अगर मैं सेल ऑफ एसेट करता हूं तो क्या मैं कहूं यूजुअली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, होती है कि नहीं होती? बट इन आवर केस, बट हमारे केस में तो एसेट तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, एसेट तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। जब एसेट ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है तो क्या मैं कहूं अब मुझे एंट्री करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट, तो मेरे पास कुछ नहीं बचता, तो फिर मेरे को रियलाइजेशन अकाउंट का यूज करना पड़ेगा कि नहीं? अब मान लीजिए पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जब मैं लायबिलिटीज की पेमेंट करता हूं तो क्या मैं कहूं यूजुअली मैं एक एंट्री पास करता हूं लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, करता हूं कि नहीं? बट हमारे केस में, इन आवर केस, मैं पहले ही लायबिलिटीज को क्लोज कर चुका हूं कि नहीं, जब मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। लॉजिक समझिए आप इसका कि ये एंट्री क्यों बन रही है। क्या मैं कहूं इन आवर केस आई हैव ऑलरेडी क्लोज्ड लायबिलिटीज, मैं पहले ही लायबिलिटी को क्लोज कर चुका हूं जब मैंने ये एंट्री पास करी थी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो मैं लायबिलिटी को ऑलरेडी क्लोज कर चुका था कि नहीं? इसीलिए अब मेरे को एंट्री यहां डालनी पड़ेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहां पर दो केसेस और आते हैं, यहां पर दो चीजें, दो पॉइंट और आते हैं, स्पेशल पॉइंट्स। पॉइंट नंबर वन, इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय लायबिलिटी। मान लीजिए मेरी पार्टनरशिप फर्म है, आपकी और मेरी पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर एक ये एसेट था। अब इस एसेट, ये वाला जो एसेट है वो किसी बाहर वाले को पसंद आ गया, जो मेरी लायबिलिटी है। मैंने किसी को पैसे देने थे, उसने कहा पैसे छोड़ तू ये बोतल दे दे। क्या मैं कहूं इसका मतलब लायबिलिटीज एसेट को लेके जा रही है, राइट? लायबिलिटीज जो हैं वो एसेट को लेके जा रही हैं, करेक्ट? जल्दी बोले। हां जी करेक्ट।
लेके जा रही है कि नहीं, क्योंकि लायबिलिटीज एसेट को लेके जा रही हैं। इसीलिए मैं यहां पर एंट्री करूंगा कुछ भी नहीं, मैं यहां पर कोई भी एंट्री नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एसेट और लायबिलिटी ऑलरेडी क्लोज कर चुका हूं, राइट? मैं एसेट और लायबिलिटीज को ऑलरेडी क्लोज कर चुका हूं, सेट ऑफ हो गई। बहुत बढ़िया पीयूष। उसके बाद एक और पॉइंट क्या बचता है? एक और पॉइंट बचता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। जब मैं बात करता हूँ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, तो मेरे बेटा उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस ये आपका पूरा बेसिक ऑफ डिसोल्यूशन है, ये आपका पूरा का पूरा बेसिक ऑफ डिसोल्यूशन है। इसका मतलब अगर मैं अब यहां पर एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूं तो मुझे ये पता है कि मेरे एसेट क्लोज हुए होंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट सारे एसेट क्लोज हुए होंगे। मेरी लायबिलिटीज क्लोज हुई होंगी तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन मेरी सारी लायबिलिटी क्लोज हुई होंगी। अब मुझे पैसा मिला होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाय बैंक अकाउंट, मुझे पैसा मिला होगा टू बैंक अकाउंट, मैंने पैसा लायबिलिटीज को पे करा होगा। इसी बीच में कहीं पर मेरा प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन आ जाएगा, जो कि मेरे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर होती है बात? ये हो गया आपका सारा का सारा बेसिक ऑफ डिसोल्यूशन। अब मेरे बेटा बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो आता है अगला पॉइंट जो आया, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे बच्चों। जो मेरा अगला पॉइंट है वो आता है इनसॉल्वेंसी। इसका मतलब अब हम जो अगली बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? वो कर रहे हैं इनसॉल्वेंसी की। तो ध्यान से देखिएगा, इनसॉल्वेंसी, और इनसॉल्वेंसी में मैं सबसे पहले बात करता हूं इनसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर इनसॉल्वेंट हो गया। अब भाई लॉजिक समझिए, क्या मैं कहूं पार्टनरशिप फर्म का एक फीचर होता है, पार्टनरशिप फर्म का एक फीचर होता है वो होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, राइट? पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तभी तो LLP बनाई गई थी ताकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो। करेक्ट? तो मेरे बेटा अगर मैं आपसे ये बोलूं कि दोस्त मान लीजिए ए बी और सी तीनों पार्टनर हैं, जब तीनों पार्टनर हैं तो पूरी फर्म को लॉस हो गया। अब अगर फर्म को लॉस हो गया तो फर्म का लॉस ए बी और सी तीनों बियर करेंगे। फर्म का लॉस हो गया तो ए बी और सी तीनों बियर करेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल करेंगे। बट अब क्या हुआ, आफ्टर बियरिंग, लेट्स से आफ्टर बियरिंग लॉस ऑफ फर्म, सी बिकेम इंसॉल्वेंट। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? मान लो आप मैं चार लोग पार्टनर हैं, लॉस आ गया 1,00,000 रुपए का,
वन एस टू वन एस टू वन एस टू वन में 25,000 25,000 25,000 25,000 हम चारों को बियर करना है। आप अपने घर से ले आए 25, दूसरी पार्टी अपने घर से 25 ले आई, तीसरा जना अपने घर से 25 ले आया। मैंने कहा भाई मेरे पास तो केवल 5,000 हैं, तो क्या मैं बोलूं अब जो मेरा लॉस था वो 25 था, लेकिन मेरे पास देने के लिए केवल 5 है, तो मेरी वजह से बाकी सारे पार्टनर्स को कुल मिला के 20,000 का नुकसान है कि नहीं, बोलो। इसे ही तो बोलते हैं लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी। क्लियर हुई बात कि भैया आफ्टर बियरिंग लॉस ऑफ फर्म, आफ्टर बियरिंग लॉसेस ऑफ फर्म, सी बिकेम इंसॉल्वेंट। अब क्या मैं कहूं, अगर सी इंसॉल्वेंट हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि सीज पर्सनल स्टेट इज अनेबल टू प्रोवाइड सफिशियंट फंड्स फॉर सीज लायबिलिटी। सी के पास उतने पैसे ही नहीं है, आप बात समझ लो, लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी हुआ क्या, क्लियर हो रही है बात। लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी का मतलब है भाई हमारा 1,00,000 रुपए का लॉस हुआ चार लोगों का, 25 25 25 25, आप तीनों लोग तो 25 25 ले आए अपने घर से, जब मैंने अपने घर में झांक के देखा तो मेरे घर में केवल 5,000 रुपए पड़े थे। अब क्योंकि मेरे घर में 5,000 पड़े थे तो मैं 5 ले आया, अब 20,000 का लॉस हो गया। अब क्वेश्चन आया कि ये 20,000 का लॉस बियर कौन करेगा और किस रेशियो में बियर करेगा। तो मेन क्वेश्चन क्या बना, मेन क्वेश्चन ये बना कि हु इज गोइंग टू बियर लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी। सबसे पहला सवाल तो ये बना कि भैया जो सर की वजह से 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है, एक बात बताओ, अगर मेरे पास भी 25,000 रुपए घर पे रखे होते, आपका 25 का शेयर, आपका 25 का, आपका 25 का लॉस और मेरा 25 का लॉस, अगर मेरे घर पे भी 25,000 रुपए रखे होते तो मैं भी वो लॉस आपको लाके दे देता, लेकिन मेरे घर में तो है ही नहीं। और जब मेरे घर में नहीं है तो अब क्योंकि पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, इसलिए जो मेरा लॉस है वो भी आपको बियर करना पड़ेगा कि नहीं। अब पंगा आया, अब आप तीनों में लड़ाई है, आप तीनों में किस बात की लड़ाई है, आप तीनों में इस बात की लड़ाई है कि भैया लॉस कौन बियर करेगा, पहली चीज, ठीक है। एंड दूसरी चीज, इन विच रेशियो, इसका मतलब अब यहां पर लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी के अंदर आपको दो सवालों का जवाब देना है। पहला कि मेरी वजह से, इंसॉल्वेंट पार्टनर की वजह से होने वाला लॉस कौन बियर करेगा, और दूसरा किस रेशियो में बियर करेगा। तो जवाब देने की बात जब करी गई तो यहां पर यूके का एक केस लॉ आया जिसे हमने बोला गया गार्नर वर्सेस मुरे। गार्नर वर्सेस मुरे के अंदर जो जज था, जज का नाम था जस्टिस जॉयसी। जस्टिस जॉयसी ने एक वर्डिक्ट दिया, क्या वर्डिक्ट दिया कि भाई सुनो मैं आपको इन दोनों सवालों का जवाब देता हूं। क्या बोला भाई, इस ऐसे केस में गार्नर वर्सेस मुरे लगा, और गार्नर वर्सेस मुरे के अंदर, ये यूके का असली केस है, इसके अंदर जो जज का नाम था वो था जस्टिस जॉयसी। जस्टिस जॉयसी ने वर्डिक्ट दिया इन दो सवालों का जो अभी हमने मेन बात करी, जिसमें से सवाल नंबर वन था कि ये लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी बियर कौन करेगा। तो उसके लिए बोला गया ऑल सॉल्वेंट पार्टनर्स विल बियर लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी। बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, आने वाले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
तो पहली बात तो ये करी गई कि भैया देख ऐसा है, अगर कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट हुआ तो पार्टनरशिप फर्म का मेन फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अब जो भी सॉल्वेंट पार्टनर है उसको लॉस बियर करना पड़ेगा। अगली बात आई इन विच रेशियो, उसके लिए जवाब दिया इन कैपिटल रेशियो। इन कैपिटल रेशियो, हाँ। तो अब जब बात करी गई तो बात ये करी गई, अब यहां पर दो बातें निकल के आई। सबसे पहली बात, हाउ टू प्रूव दैट अ पार्टनर इज सॉल्वेंट। सबसे पहली बात तो ये कई, अब देखो इंस्टीट्यूट कई कई क्वेश्चंस में इस पॉइंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करता है और कई कई क्वेश्चन में इस पॉइंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करता, लेकिन आप सबने इस पॉइंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। हाउ टू प्रूव दैट अ पार्टनर इज सॉल्वेंट, तो याद रखिएगा इन केस ऑफ, ये सारे नोट्स मैं आपको दे दूंगा, इन केस ऑफ इन सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, द सॉल्वेंट पार्टनर्स, सॉल्वेंट पार्टनर्स विल ब्रिंग द शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस इन कैश। इसका मतलब ये बात प्रूव करने के लिए कि हम सॉल्वेंट हैं, हमारे ऊपर इनसॉल्वेंसी का ठप्पा मत लगाओ, आप तीनों लोग जो भी आपका रियलाइजेशन का लॉस है वो सारा लॉस कैश में लेके आओगे और एंट्री बनेगी यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। आती है बात समझ में? पहली बात समझ में आई कि सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जवाब मिल गया। हाँ जी सर, सॉल्वेंट का जवाब तो मिल गया। अब मेरे बात आई बेटा किस चीज की, अब बात आई हाउ टू कैलक्यूलेट कैपिटल रेशियो। सर जी ये कैपिटल रेशियो कैसे निकालें? अब कैपिटल रेशियो निकालने के लिए दो मेथड लगाए गए, या तो फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम है, या तो फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम है। अब बात आई फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको कैपिटल अकाउंट भी गिवन होगा और साथ साथ में करंट अकाउंट भी गिवन होगा। इसका मतलब जिस सवाल में आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों गिवन है, अगर आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों गिवन है तो समझ जाइएगा कि यह सवाल फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम का है, और फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम के अंदर जो कैपिटल रेशियो होती है वो कैपिटल रेशियो, रेशियो ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही होती है। यहां पर जो आपकी फिक्स्ड कैपिटल का रेशियो है वो ही आएगा। अगली बात क्या आई? अगली बात आई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम को कैसे पहचानोगे? ओनली कैपिटल अकाउंट इज गिवन, केवल और केवल कैपिटल अकाउंट है, केवल और केवल कैपिटल अकाउंट है, नो करंट अकाउंट, नो करंट अकाउंट इज गिवन, करंट अकाउंट गिवन नहीं है। तो ऐसे केस में कैपिटल रेशियो
कैपिटल रेशियो इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, कैपिटल रेशियो इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल विल बी ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल डालना, ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस ऑल एडजस्टमेंट टिल रियलाइजेशन। सर ये ऑल एडजस्टमेंट टिल रियलाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे बेटा ओपनिंग कैपिटल में प्लस कर देना अगर आपके कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व या सरप्लस है, और माइनस कर देना अगर आपके कोई एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठे हो रखे लॉसेस हैं। तो अगर आप इतना काम कर देंगे तो आपकी कैपिटल रेशियो अपने आप ही निकल के आ जाएगी। क्लियर होती है बात? आपकी कैपिटल रेशियो अपने आप ही निकल के आ जाएगी। क्लियर? क्लियर? जल्दी बोलेंगे। क्लियर जी? चलिए आगे चलते हैं। अब अगली बात करते हैं, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हो तो बहुत सिंपल सी बात है। अरे मेरे बेटा एक बात बता, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट हो जाते हैं या फिर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं, तो क्या मैं कहूँ इसका इफेक्ट तो रियलाइजेशन में ही आता है ना? इसका इफेक्ट तो रियलाइजेशन में ही आता है। जब इसका इफेक्ट केवल और केवल रियलाइजेशन में आता है तो इसको यहाँ पर कंसीडर ना करो। सिंपल सी बात। चलिए अब आगे चलते हैं और अगली बात आती है, इफ ऑल पार्टनर्स आर इनसॉल्वेंट, अगर सारे ही पार्टनर इनसॉल्वेंट हो गए, सारे पार्टनर इनसॉल्वेंट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, फर्म इज इनसॉल्वेंट, अगर सारे पार्टनर इनसॉल्वेंट हो गए और फर्म ही इनसॉल्वेंट हो गई, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, हाउ टू आइडेंटिफाई, सबसे पहली बात आई हाउ टू, कोई बात नहीं आप कर देना, उसको रोक सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, यू नीड टू गिव अ नोट। हाउ टू आइडेंटिफाई, आपने क्या आइडेंटिफाई करना है? यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको गिवन हो कि फर्म इज इंसॉल्वेंट, वो आपको साफ साफ बोले कि क्या फर्म ही इंसॉल्वेंट है, फर्म ही इंसॉल्वेंट है, या फिर प्राइवेट इस्टेट एंड प्राइवेट लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर आर गिवन। अगर आपको प्राइवेट इस्टेट मतलब प्राइवेट एसेट और प्राइवेट लाइबिलिटी दोनों पार्टनर्स या फिर सारे के सारे पार्टनर्स की गिवन है, समझ में आई बात? इसका मतलब कैसे पहचानोगे आप? दो चीजों से पहचान सकते हो भैया, या तो आपको गिवन हो कि फर्म ही इंसॉल्वेंट है, दूसरी चीज या तो आपको यह गिवन हो, या तो आपको यह गिवन हो कि भैया ऐसा है सर जी, मेरी बात सुनना, हर एक एसेट, हर एक पार्टनर की प्राइवेट स्टेट और प्राइवेट लायबिलिटी आपको गिवन हो, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? अब ध्यान से सुनिएगा, डू
सिंपल, आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाइएगा, और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद क्या करना, विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है, विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ लाइबिलिटीज। नेहा, सैटरडे संडे स्पेशल क्लास रखेंगे बेटा, उसके अंदर अमेलगमेशन के क्वेश्चंस करेंगे स्पेशल क्लासेस के अंदर, ठीक है, विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ लाइबिलिटीज। आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है लेकिन उसमें लाइबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं करना, और यहां पर क्या बनाना है आपको, एक प्रिपेयर करना पड़ेगा, कौन सा अकाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट, आपको एक डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लियर होती है बात? अब जो अगली चीज आती है वो आती है किस चीज की, वो आती है ग्रेजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, वो आता है सवाल ग्रेजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। देखो मेरे भाई, आप बात को समझिए कि मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया क्यों। आपको आज तक यह बताया गया कि रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनता है। भाई अगर मैं आज अपना काम धंधा बंद कर दूं और अपने एसेट को बोलूं अभी के अभी बेचो, तो क्या मैं कहूं अगर मैं इमीडिएटली कोई चीज बेचूंगा तो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो कम में बिके, और अगर वो कम में बिकेगी तो मैं लायबिलिटीज को पेमेंट कैसे करूंगा, लायबिलिटीज तो मेरी पेमेंट मांगेंगी ना। ऐसे केस में फिर एक ही इलाज रहता है कि भैया बिजनेस तो बंद करना है, बिजनेस बंद करना है तो एसेट और लायबिलिटी को क्लोज कर दो, धीरे धीरे एसेट को बेचो और धीरे धीरे लायबिलिटीज को पे करो। तो ग्रेजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का मतलब क्या है, जैसे जैसे एसेट सोल्ड होगा वैसे वैसे, जैसे जैसे एसेट सोल्ड होगा वैसे वैसे क्या होगा, लायबिलिटीज को पेमेंट मिलेगी। जैसे जैसे एसेट सोल्ड होगा वैसे वैसे लायबिलिटीज को पेमेंट मिलेगी, और एक्चुअली में यही एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। जब कोई कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, जब कोई पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है, तो जब मैं कोई एसेट बेचता हूं उससे जो पैसा मिलता है उससे मैं लायबिलिटीज को पे कर देता हूं, असली में भी यही कहानी होती है, असली में भी ऐसा ही होता है, असली में भी यही कहानी होती है, ठीक है। तो अब बात को ध्यान से समझना, ठीक है, यही बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ पेमेंट्स, सबसे पहले ही आपको ऑर्डर ऑफ पेमेंट समझना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपका कोई एसेट बिकता है, अगर आपका कोई एसेट सोल्ड होता है, तो आप किसको पेमेंट करोगे सबसे पहले। तो यहां पर सबसे पहले बात करी गई, जैसे ही एसेट बिकेगा तो सबसे पहले तो उसमें से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस माइनस होंगे, क्योंकि मेरे भाई अगर मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैं बिल्डिंग बेच रहा हूं, तो क्या मैं कहूं जो एजेंट बिल्डिंग बिचवा रहा होगा, जो एजेंट बिल्डिंग बिकवा रहा होगा, सबसे पहले तो वही ले जाएगा अपनी कमीशन और आपको काट कुटा के ही पैसे देगा, वो बोलो सबसे पहले वही कमीशन ले जाएगा कि नहीं, और आपको जो पैसे देगा वो कट कुटा के देगा, राइट सर, हमें जो पैसे मिलेंगे वो कट कुटा के मिलेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बाद, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बाद फिर उसमें माइनस करोगे आप गवर्नमेंट ड्यूज,
गवर्नमेंट ड्यूज के बाद आप माइनस करोगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स या सिक्योर्ड लोन्स, उसके बाद आप माइनस करोगे अनसिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन के बाद आप माइनस करोगे पार्टनर्स कैपिटल, और उसके बाद पार्टनर्स लोन, और पार्टनर्स लोन के बाद अगर कुछ बच जाएगा, पार्टनर्स लोन और उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तब पार्टनर की कैपिटल को जाके मिलेगा। यही ऑर्डर आपको फॉलो करना है। अच्छा सर, अब यहां पर एक कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को भी बताइए। लेट से आफ्टर पेमेंट टू सिक्योर्ड लोन्स एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मैंने सिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, उसके बाद जो मेरे पास बैलेंस लेफ्ट है वो 1000 रुपये है, अनसिक्योर्ड लोन 2000 के खड़े हैं और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी 1000 का खड़ा है, तो ऐसे केस में इन दोनों को इनके रेशियो ऑफ डिमांड के हिसाब से मिलेगा। इसका मतलब ये 1000 रुपये, ऐसा नहीं है कि इसके वर्ड पर लोन लिखा हुआ है तो लोन वाले को मिल जाएगा और इसके यहां क्रेडिटर लिखा है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों अनसिक्योर्ड हैं, तो जिनकी इनकी ओरिजिनल आस्क है उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। क्लियर होती है बात? रेशियो ऑफ डिमांड के बदले इनको पैसा मिलेगा। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई, जहां से सवाल आता है वो आती है मेथड्स ऑफ ग्रेजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ग्रेजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश के कितने मेथड हैं? मेरे बेटा मेथड दो हैं, एक है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड और दूसरा है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। एक है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड और दूसरा है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। ये एनी मेथड कैन बी अप्लाइड, मतलब अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है, इफ नथिंग इज गिवन, इफ नथिंग इज गिवन, कुछ भी गिवन नहीं है तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, लेकिन याद रखना इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी के केस में ओनली मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड लगेगा, ओनली मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड लगेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या आती है भाई, चाहे वो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो या फिर वो हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड हो, ये दोनों कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर काम आते हैं, ये दोनों कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर काम आते हैं। इसका मतलब बिफोर पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, ये देखो ना ऑर्डर क्या था अपना, अपना ये ऑर्डर चल रहा था ना पूरा का पूरा, पार्टनर्स कैपिटल से पहले चाहे वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो, गवर्नमेंट ड्यूज हो और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो, पार्टनर्स लोन हो, बिफोर पार्टनर कैपिटल ट्रीटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन of cash is same, partners capital से पहले
सेम ही रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल से पहले सेम ही रहेगा, चाहे वो कोई भी मेथड हो। तो अब जब यहां हमने बात करी कि सर ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या चीज है, तो इसमें हमेशा एक इंपॉर्टेंट टिप याद रखना, कंसीडर दैट रियलाइजेशन एज लास्ट रियलाइजेशन। अगर आप ये मान लोगे कि भैया ये मेरी आखिरी रियलाइजेशन है, इसके बाद मुझे एक भी रुपया नहीं मिलेगा, अगर आपने ये मान लिया कि सर ये मेरी आखिरी रियलाइजेशन है, इसके बाद मुझे एक भी रुपया नहीं मिलेगा, तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे दोस्त, जो भी आपका लॉस निकल के आएगा वो मैक्सिमम लॉस ही होगा। कंसिडर रियलाइजेशन एज लास्ट रियलाइजेशन, ये हो गया स्टेप वन। फिर क्या करना आप, स्टेप टू। स्टेप टू में आप क्या करना, कैलक्यूलेट मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। अब ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कैसे निकलेगा, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, मतलब मैंने पार्टनर्स को कितना देना है, माइनस कैश अवेलेबल, मेरे पास कितना कैश है, मैंने पार्टनर्स को कितना देना है, माइनस मेरे पास कितना कैश है, यहां से मेरा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकलेगा। फिर क्या करना स्टेप थ्री में, डिस्ट्रीब्यूट दैट मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, डिस्ट्रीब्यूट दैट मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन, दैट मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद रखना मैक्सिमम पॉसिबल लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। यहां पर एक और ट्विस्ट आया, नोट, इफ आफ्टर रिड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल लॉस फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल, अगर पार्टनर कैपिटल में से मैक्सिमम पॉसिबल लॉस माइनस करते वक्त नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है इनसॉल्वेंसी। दिस नेगेटिव इंडिकेट्स इनसॉल्वेंसी, और यहां पर आपको गार्नर वर्सेस मुरे को लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये पॉइंट याद रखना है आपको, यहां पर आपको गार्नर वर्सेस मुरे लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला आया क्या, हाईएस्ट, या मैं इसे कहूं अगर हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। जब मैं बात करता हूं हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, तो यहां पर आपका हमेशा एक वर्किंग नोट बनता है। यार हमने काम तो बहुत कर लिया भाई, ये आप देखो ना, ये आप कुछ लिखना मत, क्यों, क्योंकि ये सारे शॉर्ट नोट्स ही आपके हो गए हैं, ये सारे हैंड रिटन नोट्स मैं आपको अभी प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे ही क्लास खत्म होगी तुरंत ये आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स तुरंत आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, जब मैं बात करता हूँ हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड की, तो यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनेगा, और उस वर्किंग नोट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा सबसे चालाक कौन। कितने आवर्स का होगा सेशन, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब सेशन खत्म हो जाएगा, सबसे चालाक कौन। अब ये सबसे चालाक कौन का मतलब सर क्या हुआ, समझाता हूं सुनना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, 5:3:2 पर चलते हैं,
इनकी मान लीजिए जो कैपिटल है वो 1 लाख है, इसकी 60,000 है, या इसकी मान लो 30,000 है, और इसकी मेरे बेटा 50,000 है। तो अब सबसे पहले आप इनकी पर यूनिट कैपिटल निकालिए। जब आप इनकी पर यूनिट कैपिटल निकालेंगे तो पर यूनिट कैपिटल कैसे निकलेगी मेरे बच्चों? कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, 20,000 आ गया। 30,000, ये 30 लिखा है मेरे बेटा, ये 30 लिखा है। 30,000 डिवाइडेड बाय 3, 10,000 आ गया। और 50,000 डिवाइडेड बाय 2, 25,000 आ गया। तो सबसे कम कैपिटल लगा के कौन मजा काट रहा है? सबसे कम कैपिटल लगा के ए मजा काट रहा है। ए हो गया सबसे चालाक, ए हो गया सबसे ज्यादा चालाक। नाउ टेक एज कैपिटल एज बेस। ए की कैपिटल को बेस मान के क्या मैं कहूँ, ए का 10,000 है तो 10,000 इंटू 5, 50,000, 10,000 इंटू 3, 30,000, और 10,000 इंटू 2, 20,000। ये आ गई ए की कैपिटल को बेस मान के कैपिटल। अब निकल के आ गई मेरे बच्चों मेरी एक्सेस कैपिटल। क्या मैं कहूँ, 1 लाख लगा रखा था, 50 होनी चाहिए, मतलब 50,000 एक्सेस है, इसकी कुछ भी एक्सेस नहीं है, और इसकी 30,000 एक्सेस है। समझ में आती है बात? ये एक्सरसाइज आपने करनी है आगे भी। कैसे? अब बचा ए, बी और सी, 5, 3, 2, ये तो खत्म ही हो चुका है। क्या मैं कहूँ, इसकी एक्सेस 50,000 बची थी और इसकी एक्सेस 30,000 बची थी। अब दोबारा इनमें पर यूनिट निकालोगे। अब जब मैं दोबारा इनकी पर यूनिट निकालता हूँ तो 50,000 डिवाइडेड बाय 5 हो गई 10,000, और 30,000 डिवाइडेड बाय 2 हो गई 15,000। अब इनमें से किसकी कैपिटल कम है? पर प्रॉफिट, पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट किसकी कैपिटल कम है? अब कम है ए की। तो ए भी हो गया चालाक। इसका मतलब चालाक, इसका मतलब क्या हुआ कि इन बेचारे तीनों पार्टनर्स में सबसे चालाक तो बी था। बी के बाद ए का नंबर आया। अब टेकिंग, यहां मैंने टेकिंग ए लिख दिया क्या? ओ गलत, टेकिंग बीज कैपिटल। हाँ, टेकिंग एज कैपिटल एज बेस। अब मैं ए के कैपिटल को बेस मान के 10,000 इंटू 5, 50,000 कर दूंगा, और ये तो है ही नहीं, 10,000 इंटू 2, 20,000 कर दूंगा। 50,000 थी, 50,000 होनी चाहिए, मतलब निल। 30,000 थी, 20 होनी चाहिए, मतलब 10। इसका मतलब क्या हुआ? इसका कंक्लूजन ये निकला, इसका कंक्लूजन ये निकला कि पार्टनर का लोन पे करने के बाद, पार्टनर का लोन पे करने के बाद सबसे पहले, सबसे पहले 10,000 सी को मिलेंगे। समझ में आती है बात? सबसे पहले 10,000 किसको मिलेंगे? सी को मिलेंगे। क्लियर हुई बात? बिल्कुल क्लियर। हाँ जी, क्लियर सर। भाई अगर आपको सारी बात समझ में आ रही हो ना तो वीडियो के बाद में कमेंट जरूर कर देना। जी सर, क्लियर, ठीक है। और उसके बाद प्रोपोर्शनेट मिलेगा, उसके बाद प्रोपोर्शनेट मिलेगा। आगे अगर चलते हैं तो अब आता है पार्टनरशिप का आखिरी टॉपिक, जो है सेल ऑफ पार्टनरशिप टू कंपनी और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी और एलएलपी। ये जो टॉपिक है ये सिमिलर टू अमैल्गमेशन है। अमैल्गमेशन में क्लोजिंग ऑफ बुक्स
ऑफ ओल्ड कंपनी, ओल्ड कंपनी की किताबें क्लोज करने जैसा टॉपिक है, ओल्ड कंपनी की किताबें क्लोज करने के जैसा ये टॉपिक है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो इसका स्टेप वन, इसका स्टेप वन होता है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। बोलो मेरे भाई, सबसे पहले अमेलगमेशन में भी आप परचेज कंसिडरेशन निकालते थे कि नहीं? सबसे पहले अमेलगमेशन में भी आप सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन निकालते थे कि नहीं? हाँ जी सर, परचेज कंसिडरेशन निकालते थे, बिल्कुल निकालते थे। स्टेप टू, अब जब आप प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, अब जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो एसेट को क्लोज करोगे, कैसे क्लोज करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और लायबिलिटी को भी क्लोज करोगे। क्या मैं कहूँ लायबिलिटी को कैसे क्लोज करोगे, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, करेक्ट, एसेट भी क्लोज हो गए, लायबिलिटीज भी क्लोज हो गई। बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग एसेट एंड पेइंग टू लायबिलिटीज, एसेट बेच के लायबिलिटीज को पे करने की बजाय, क्या मैं कहूं सारा कुछ कंपनी ने ले लिया। जब सारा कुछ कंपनी ले लेगी तो क्या मैं कहूं एंट्री आ जाएगी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसका मतलब जब मैं यहां पर बनाऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट, इसका मतलब जब मैं यहां पर बनाऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये मेरे एसेट क्लोज हो जाएंगे, ये मेरी लायबिलिटी क्लोज हो जाएंगी, और अब मैं सीधे यहां पर लिखूंगा बाय न्यू कंपनी, ठीक है। तो अपने आप ही मेरा या तो यहां पर प्रॉफिट आएगा या फिर यहां पर लॉस आएगा। समझ में आता है कि कैसे बनेगा रियलाइजेशन इसके अंदर? ऐसा ही सेम आप ओल्ड कंपनीज के अमेलगमेशन के केस में भी करते हो कि नहीं? यही सेम चीज आप ओल्ड कंपनी के अमेलगमेशन में भी करते हो ना? जी सर, यही सेम चीज हम ओल्ड कंपनी के अमेलगमेशन में भी करते हैं, ठीक है। अब जब आगे बात करी, उसके बाद क्या बात आती है, आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होगा, हाँ, इसके बाद वी विल कंसीडर दैट हाउ परचेज कंसिडरेशन is being realized by company, company किस तरीके से purchase consideration realize कर रही है, उसी के basis पर हम partner के capital का account बना लेंगे, और amalgamation में हम old company के equity shareholders का भी तो वैसे ही account बनाते हैं कि नहीं? क्लियर होती है बात? तो बच्चों ये सारे नोट्स मैं आपको भेज रहा हूं, अब आप पार्टनरशिप डिसोल्यूशन कल ट्राई करेंगे। कल आपकी कोई भी क्लास नहीं है, कल आपकी कोई भी क्लास नहीं है, हम यही इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसकी जो क्लास है, क्लास इज अवेलेबल ऑन YouTube, ठीक है, इसकी पूरी क्लास YouTube पर अवेलेबल है, जिसको और देखनी होगी वो देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, आप अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, भाई अनअकैडमी का ये 25% CA इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक खुला हुआ है। इंटरमीडिएट का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 20,212 रुपये,
और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 25,987। कोड यूज़ करना CANK10। ठीक है दोस्तों, तो ये ज़रूर 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 करना है भाई, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। तब तक के लिए